नारद मुनि जब भगवान के पास गए तो भगवान के द्वारपाल ने बोला नारद मुनि को जे अंदर भगवान बहुत बिजी है। तो किस लिए बिजी है? वो तो भगवान ध्यान कर रहे हैं। तो नारद मुनि को हंसी आ गई। जब भगवान ध्यान से बाहर निकले तब नारद मुनि ने भगवान को पूछा कि भक्त लोग आपका ध्यान करते हैं, वो तो मैंने सुना है, आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो ये भगवान बोलते मैं मेरे भक्तों का ध्यान करता हूँ, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूँ, क्योंकि वो मेरे ध्यान में इतना बिजी हो जाता है कि उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं उसके ध्यान में रहता हूँ कि वो क्या कर रहा है, उसका क्या करना है मुझे। हाँ, तो अगर हम हमारा काम ध्यान से करेंगे तो कर पाएंगे कि नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम ठाकुर जी का ध्यान करेंगे तो ठाकुर जी हमारे सब काम ठीक से करेंगे, है ना। बहुत सुंदर ब्रज में आप जाओ ना तो बहुत सुंदर सुंदर हिंदी में गाने गाते हैं। हमें अभी एक हम गाना सुन रहे थे, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे सब काम करते हैं। हाँ, हम सिर्फ राम जी का नाम लेते हैं और राम जी हमारे सारे काम करते हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। तो भक्तों का एक ये थिंकिंग होता है कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरा है, और मेरे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से हो रहा है, और अगर मेरे जीवन में कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो बुरा ज़्यादा होने वाला था, ठाकुर जी मुझे बचा दिए हैं, ठाकुर जी मेरा ध्यान रख रहे हैं। ये विश्वास भक्तों को होता है। एक भक्त भगवान को बहुत प्यार से पुकार रहा था, बहुत प्रेम से, आंखें बंद करके एकदम भगवान को, ठाकुर जी आइए आइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये करिए वो करिए, और एकदम उसने देखा कि दो पत्थर आके उसके सिर पे गिर गए। तो सोचे क्या भगवान भी ऐसे हैं, मैं इतना प्रेम से भगवान को याद कर रहा हूँ, दो पत्थर, भगवान ऐसे ही रक्षा करते हैं। और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है, 100 पत्थर उसकी दिशा में आ रहे थे और ठाकुर जी दोनों हाथ ऐसा करके बचा रहे हैं वो पत्थर को, और फिर उसको बहुत प्यार से पूछते हैं कि मैं जितना कोशिश किया बचाया, दो तुम्हें लग गए क्या, दो पत्थर तुम्हें लग गए क्या, मैं तो कोशिश कर रहा था कि तुम्हें एक भी पत्थर ना लगे। तो ठाकुर जी का ये स्वभाव है। अगर हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा गलत होने वाला था, ठाकुर जी ने हमें बचा दिया क्योंकि हम उनके शरण में हैं। भगवान का शरण जो लेता है भगवान उसे कभी धोखा नहीं देता। इस भौतिक जगत में आप किसी का शरण लोगे तो वो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देता। अगर आप एक बार भगवान को बोल दो कि भगवान हम आपके हैं, आप हैं, मुझे देखना है, आपको मेरी रक्षा करनी है, वो कभी नहीं भूलेंगे, वो कोई भी स्थिति में आपका हाथ पकड़ के रहेंगे। एक भक्त भगवान से कंप्लेन कर रहा है कि मैं देखता हूँ मेरा जीवन में आपने मेरी हेल्प नहीं की है, तो भगवान उसको पूरा फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, देख लो जहाँ जहाँ तुम्हारे कदम है वहाँ वहाँ मेरे कदम है, तुम देख लो। तो फिर वो एक जगह पे आके वीडियो को पॉज कर देता है, बोलो देखो ये तो मेरे जीवन में सबसे कठिनाई का समय था, यहाँ तो चार पैर नहीं दिख रहे, सिर्फ दो पैर दिख रहे, उसका मतलब अब हाथ छोड़ के चले गए। तो भगवान बोलते ठीक से देखो, वो दो पैर मेरे हैं, मैंने तुमको उठा लिया है, मैंने तुमको उठा लिया, वो दो पैर मेरे हैं। भगवान तो साथ कभी नहीं छोड़ते, बस हमें श्रद्धा नहीं है, क्योंकि हम हमारी सुरक्षा की परिभाषा ही कुछ और है। हम सोचते हैं सुरक्षा करना मतलब हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा देना, हमारे जीवन में सब सुख सुविधाएं बढ़ जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमारे बच्चे एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास आ जाए, अच्छी सुंदर लड़की मिल जाए शादी के लिए, सब कुछ अच्छा हो तो भगवान हमें देखते हैं। लेकिन भगवान की परिभाषा कुछ और है। भगवान आपके शरीर को नहीं, भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपकी आत्मा फिर एक योनि में घूमती रहे, वो आपकी सच में सुरक्षा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस जन्म के बाद आप उनके पास वापस आ जाओ, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इस जब आप उनका शरणागत लेते हो, आपके पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं बस इस जन्म में उसको पूरा कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हो, यहाँ ही आपको जो है उसको भोगना है और फिर गोलोक वृंदावन जाना है। तो कितने लोग गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं? तो भगवान की प्रार्थना करिए, भगवान का नाम लीजिए। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के सिवाय और कोई चारा नहीं है, यही कलयुग का मंत्र है। तो एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र नाम लेंगे और फिर इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।